से लेकर यहाँ से कयास तेज हुए कि अपर्णा को जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन हम यही देखते हैं दिनेश अरवार की जिम्मेदारी मिलती ही नहीं है। और अब कैसरगंज सीट और रायबरेली को लेकर भी यहाँ पर कयास तेज हुए, क्योंकि अपर्णा कहती हुई नजर आई थी कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी यदि प्रियंका गांधी उतरना चाहेंगी कांग्रेस की तरफ से, अपर्णा साफ तौर पर कह रही थी। लेकिन बीजेपी के सामने उन्होंने अपनी चाह दर्शा दी थी, इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी थी बातों ही बातों में, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ा दाव खेल दिया, दिनेश प्रताप सिंह को वहां से उतारा है। जो सोनिया जो प्रॉपर्टी है, जो यहां पर राजनीतिक हालात हैं, उसमें देखा जाए वह दखलअंदाजी बिल्कुल नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि वह अखिलेश यादव के साथ ही खड़े रहेंगे, भाई के फैसलों को वह स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए अपर्णा भी उन्हीं फैसलों को लेकर चल रही हैं साथ में। तो अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि अपर्णा और डिंपल का जो रिश्ता है वो बेहतरीन काफी रहा है और आने वाले समय में भी वो बेहतरीन बना रहेगा, क्योंकि लोकतंत्र के महाकुंभ में लोकसभा का चुनाव लगातार प्रगति पर है और इस बीच दो चरण के मतदान भी संपन्न हो चुके हैं। लेकिन दिग्गज महारथियों की टिकट यहां पर कटती हुई नजर आई तो कई ऐसे भी नेता रहे जिनका अच्छा खासा राजनीतिक नाम और राजनीतिक चेहरा होने के बावजूद भी उनको राजनीतिक रूप से उसका लाभ नहीं मिलता नजर आया। जी हाँ, एक तरफ कैसरगंज लोकसभा सीट की बात करें तो वहां पर बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। उनके बेटे अरुण करण भूषण को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया है, जबकि रायबरेली सीट से दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। और इन दो सीटों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों सीटों पर यादव परिवार का अभिन्न हिस्सा रही। अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की तमाम संभावनाएं थी, क्योंकि जिस तरीके से डिंपल यादव के खिलाफ मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ने का अपर्णा यादव ने साफ तौर पर इनकार किया था, उसके बाद ये चर्चाएं थी कि कैसरगंज सीट या फिर रायबरेली से उनको चुनावी उम्मीदवार बनाया जा सकता है, लेकिन दोनों जगह पर नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया। ऐसे में अपर्णा यादव को बड़ा झटका लगा है। अपर्णा यादव को लेकर के क्या कुछ आगामी रणनीतियां रहेंगी और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उन्हें आगामी जिम्मेदारियां तय करेंगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ प्रांशु मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब अपर्णा यादव का अगला कदम क्या होगा। प्रांशु, जिस तरीके से कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनावी उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, रायबरेली से भी अपर्णा यादव के नाम को यहाँ पर दरकिनार कर दिया गया है, तो क्या आगामी वक्त में अपर्णा यादव अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में यहाँ पर कुछ सोच विचार करती नजर आएंगी? देखिए बिल्कुल, अपर्णा यादव को लेकर अब तक हमने देखा है कि कई बार कयास तेज हुए हैं। कभी कहा गया विधानसभा चुनाव वह लड़ेंगी, बीजेपी में आ गई हैं तो योगी कैबिनेट में वह शामिल हो सकती हैं, अगर लड़ती हैं चुनाव जीत जाती हैं तो। पूरी पूरी उम्मीदें उस वक्त यही थी 2022 में जब वह बीजेपी का हिस्सा बनी, इसके बाद मेयर पद के लिए, इसके बाद देखा गया कि मैनपुरी पर उपचुनाव के लिए जब नेताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, ये तक कहा गया कि अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई है और अपर्णा ने ये तक कह दिया है कि उन्हें समय चाहिए। लेकिन फिर बात निकल कर ये आती है कि डिंपल यादव के खिलाफ वह नहीं उतरेंगे, क्योंकि डिंपल यादव को शिवपाल के कहने पर उस सीट से उतारा गया था। अब यहाँ पर सवाल ये उठ गए कि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं मैनपुरी से चुनाव लड़ने को लेकर एक बार फिर से अटकलें तेज हुई कि लोकसभा चुनाव है, ऐसे में डिंपल के खिलाफ एक बार फिर से उतारने की तैयारी में बीजेपी है, लेकिन वह कह देती हैं परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसे में परिवार भी कहीं ना कहीं उनके समर्थन में है। दिनेश शिवपाल यादव ने बीते कुछ दिनों पहले ही जवाब दिया कि हमारी बहू के साथ वहाँ पर अन्याय हो रहा है, हमारी बहू ने जो फैसला लिया है वो फैसला जिस तरह से लिया गया है वो हमारे संस्कार है, क्योंकि परिवार के खिलाफ वह नहीं लड़ना चाहती। समाजवादी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, यानी कि संकेत तो उन्होंने दे दिए, यदि वह वापस आएंगी तो वापसी उनकी हो सकती है। डिंपल यादव भी कहती हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा, अगर राष्ट्रीय नेतृत्व चाहेगा तो मैं उनका स्वागत करती हूँ, मैं अपर्णा यादव का सम्मान करती हूँ, सीएम योगी के साथ उनकी मुलाकात होती है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ, बीजेपी के जो महासचिव हैं सुनील बंसल उनसे आके दिल्ली में मुलाकात करती हैं, लखनऊ में राजनाथ सिंह के साथ हाल ही में मुलाकात होती है। तो ये मुलाकात का दौर जो रहा उनसे लेकर यहाँ से कयास तेज हुए कि अपर्णा को जिम्मेदारी मिलने वाली है, लेकिन हम यही देखते हैं दिनेश अरवार की जिम्मेदारी मिलती ही नहीं है। और अब कैसरगंज सीट और रायबरेली को लेकर भी यहाँ पर कयास तेज हुए, क्योंकि अपर्णा कहती हुई नजर आई थी कि मैं रायबरेली से चुनाव लड़ूंगी यदि प्रियंका गांधी उतरना चाहेंगी कांग्रेस की तरफ से, अपर्णा साफ तौर पर कह रही थी। लेकिन बीजेपी के सामने उन्होंने अपनी चाह दर्शा दी थी, इच्छा उन्होंने जाहिर कर दी थी बातों ही बातों में, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर बड़ा दाव खेल दिया, दिनेश प्रताप सिंह को वहां से उतारा है, जो सोनिया गांधी को भी एक वक्त चुनौती देते हुए नजर आए लेकिन हार गए थे। अब ये देखना होगा कि बीजेपी का ये दाव कितना रंग लाता है, और दूसरी ही तरफ ये देखना होगा कांग्रेस की तरफ से अब भी सस्पेंस बरकरार है कि प्रियंका गांधी वहां से उतरेंगी या फिर नहीं।
बिल्कुल, यहाँ पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं इस पर सवाल निशान खड़ा है, लेकिन अपर्णा यादव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है प्रांशी, क्या आगामी वक्त में कोई जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है, क्या जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाएगा, और यदि इसी तरीके से लगातार जिम्मेदारी से मुक्त रखा जाएगा तो क्या आखिरकार अपर्णा यादव संगठन को टाटा बाय बाय करती हुई नजर आएंगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके की एक माहौल बनता है और उसके बाद उनको फिर से दरकिनार होना पड़ता है, आखिरकार ऐसा रवैया भारतीय जनता पार्टी हाईकमान क्या सोच विचार कर रहा होगा इस बारे में? देखिए, बीजेपी आखिरकार इस मामले पर क्या सोच विचार करेगा ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा दिनेश, क्योंकि यही कहा जा रहा है। अपर्णा कहती हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय आलाकमान का यहाँ पर जो फैसला होगा मैं उसे हंसते हंसते स्वीकार करूँगी, टिकट मिले या चाहे ना मिले, लेकिन इसी तरीके से जनता की सेवा मैं करना चाहती हूँ। बीजेपी देखा जाए तो एक राष्ट्रीय पार्टी है और वह राष्ट्र की सेवा करती है, ये वह बातें कहती हुई नजर आती हैं। लेकिन अपर्णा यादव आखिरकार कब तक खुद को दिलासा देती हुई नजर आएंगी, कब तक वह इंतजार करती हुई नजर आएंगी? लगभग देखा जाए तो 2 साल होने को जा रहे हैं। 2022 में वह बीजेपी में आई थी, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये बन गए हैं कि क्या 5 सालों तक अपर्णा यादव बीजेपी में इंतजार करती रहेंगी। सबसे बड़ी बात तो यहां पर दिनेश ये निकलकर सामने जाती है कि बीजेपी में नए नए चेहरों की एंट्री होती है, उन्हें टिकट दे दिया जाता है। बात यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ को लेकर ही कर ली जाए, हमने देखा टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली हैं, उन्हें टिकट दिया गया, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं, और देखा जाता है कि भोजपुरी पवन सिंह हैं, और ऐसे में देखा जाए इनको तो टिकट मिला ही मिला, और लंबे वक्त से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं हेमा मालिनी, उन्हें एक बार फिर से टिकट दिया गया। इनके अलावा हमने देखा कि यहाँ पर धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल को भी एक वक्त टिकट दिया गया, हालांकि टिकट बाद में काट दिया गया, और ब्रजभूषण शरण सिंह जिन पर गंभीर आरोप लग जाते हैं तो उनके बेटे को टिकट दे दिया जाता है। तो बीजेपी पर इसीलिए आज के समय में देखा जाए सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी हाईकमान पर सवाल निशान यहां पर ये खड़े होते नजर आ रहे हैं कि आखिरकार दागी चेहरे होने के बावजूद या फिर बड़े राजनीतिक नाम, बड़ी हस्ती होने के नाम पर भी यहाँ टिकट मिलते नजर आते हैं, तो आखिरकार अपर्णा यादव जो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को जमीनी स्तर से समझती हैं, उनको बार बार दरकिनार क्यों किया जा रहा है? प्रांशी, अपर्णा यादव के संबंधों की बात करें, डिंपल यादव के साथ व्यक्तिगत संबंध देखे जाए तो मधुर माने जाते हैं, लेकिन अखिलेश यादव के पक्ष में वो कभी भी इस तरीके का अपना जो है एक सॉफ्ट इंटेंट नहीं रखती नजर आई है। क्या यहाँ पर अखिलेश यादव का इस तरीके से राजनीति करने का जो तरीका है उसको डिंपल यादव अपने जहन में नहीं उतार पा रही है, और क्या यही बड़ा कारण हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा नहीं है? देखिए, अखिलेश यादव को लेकर एक वक्त ये कहा गया था कि कैंट सीट से वह लड़ना चाहती थी चुनाव, लेकिन अखिलेश उन्हें टिकट देना भी नहीं चाहते थे। एक वक्त देखा गया कि नेताजी के कहने पर उन्हें टिकट दिया जाता है। अखिलेश यादव अपनी पत्नी को तो आगे करना चाहते थे लेकिन अपर्णा यादव को नहीं। इसकी बड़ी वजह ये तक मानी गई कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव जो है वो प्रतीक यादव की पत्नी है, वो प्रतीक यादव जिनकी माँ थी साधना सिंह देवी, और साधना सिंह दूसरी पत्नी रही थी मुलायम सिंह यादव की, तो साधना सिंह के साथ रिश्तों को लेकर नेताजी कई बार सुर्खियों में रहे थे। और ऐसे में देखा जाता है कि अपर्णा और डिंपल के साथ तो मधुर रिश्ते देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रतीक यादव और अखिलेश यादव काफी कम साथ में देखे गए हैं। हालांकि अपर्णा अखिलेश डिंपल के साथ जरूर नजर आई, चुनावी प्रचार में भी पूरी तरीके से उतरी थी, लेकिन शिवपाल के घर में देखा जाए अपर्णा यादव का बेहतरीन बॉन्ड नजर आया है, तो शिवपाल ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। आज भी देखा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव किस तरह से अपर्णा के समर्थन में बातें रखते हुए नजर आए हैं, तो ये संबंध देखा जाए काफी मधुर होते हुए नजर आए। नेताजी जब छोड़कर चले गए इस दुनिया से तो प्रतीक यादव भी कहते हैं कि देखिए जो प्रॉपर्टी है, जो यहाँ पर राजनीतिक हालात हैं उसमें देखा जाए वह दखलअंदाजी बिल्कुल नहीं करना पसंद करेंगे, बल्कि वह अखिलेश यादव के साथ ही खड़े रहेंगे, भाई के फैसलों को वह स्वीकार करेंगे। तो ऐसे में देखा जाए अपर्णा भी उन्हीं फैसलों को लेकर चल रही हैं साथ में, तो अब यहाँ पर यही देखने वाली बात होगी कि अपर्णा और डिंपल का जो रिश्ता है वो बेहतरीन रहा है और आने वाले समय में भी वो बेहतरीन बना रहेगा, क्योंकि आपसी सूझबूझ दोनों में काफी अच्छी है। अब यही देखते हैं कि डिंपल यादव क्या यहां पर वो कोशिश करने में कामयाब हो पाएंगी, जब शिवपाल को वह मना लेती हैं तो क्या यहां पर अपर्णा को मना पाएंगी? सीमित शब्दों में आखिरी सवाल रहेगा, शिवपाल यादव कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं अपर्णा यादव को यदि समाजवादी पार्टी में शामिल होती है? देखिए, उनकी भूमिका काफ़ी अहम है यहाँ पर। शिवपाल सिंह यादव एक तरीके से देखा जाए तो पार्टी के पिलर के तौर पर माने जाते हैं, नेताजी का बायां हाथ वह कहे जाते हैं और दायां हाथ आजम खान कहे जाते थे, तो पार्टी को इन ऊंचाइयों तक पहुँचाया शिवपाल सिंह यादव ने। नेताजी को याद करते हुए वह ये तक कहते हुए नजर आए कि मैं तो नौकरी करने जाया करता था लेकिन नेताजी ने मुझे इस मुकाम पर पहुँचा दिया कि नौकरी में क्या रखा है, और वह मुझे लेकर आ जाते हैं अपनी पार्टी में।
तो इससे आप बखूबी समझ सकते हैं कि शिवपाल सिंह यादव पार्टी में कितनी बड़ी भूमिका में है और अपर्णा को वह ला सकते हैं, इसकी भूमिका भी यहाँ पर समझ ही आती है, क्योंकि डिम्पल को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला उन्हीं का रहा जब मैनपुरी से उपचुनाव होने थे। बिल्कुल, यहाँ पर अब शिवपाल यादव पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो लगातार कहते रहे हैं कि अपर्णा यादव हमारे परिवार का एक अभिन्न हिस्सा है, जब भी वो पार्टी में आने चाहें हमेशा उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। तो क्या बार बार भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर कोई भी जिम्मेदारी ना मिलने के कारण, राजनीतिक ताकत ना मिलने के कारण शिवपाल यादव के कहने पर अब डिम्पल यादव के साथ मिलकर अपर्णा यादव भी समाजवादी पार्टी में ही अपने राजनीतिक भविष्य को आगे चमकाएंगी, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए SPN 9 न्यूज़ के साथ।